बताइए तेज से बोलो भाई। कैसे ट्रेनिंग हुआ, कितना दिन के बाद अपना मोबाइल कैसे ठीक पड़ा, ये सब बताइए आगे होता है। उसको नहीं बताने कोई दिक्कत मत बताइए। धीरे धीरे यहाँ से मेरा भी कौन सी में 4 महीने हम क्या हम गिर गए थे, 4 महीने हम नहीं आए, लेकिन कभी निगेटिव नहीं हुए कि हम स्मार्टफोन छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जैसे ठीक हुए दीदी, हमने दीदी से कहा कि दीदी बोले कि हर दो हमको चला, हमने कहा ठीक है दीदी हमको भी चला। इतनी सारी मुसीबत आती है, लेकिन कभी हम मम्मी से ये नहीं बताते कि दीदी मेरे पास मुसीबत है, मेरी छोटी बहन पापा के पास रहता, मेरा भाई छोटा है वो कमाने के लिए चला गया, हम यहाँ हैं, मेरी मम्मी के पास कोई नहीं। लेकिन मेरी भी मम्मी क्या एक हौसला बढ़ाती है, जब से गाड़ी निकाले तब से मेरी मम्मी और खुश हैं, हौसला बढ़ाती कि ठीक है तुम और अच्छे से करो। अभी अभी तक क्या जब वहाँ इसलिए हम हर तो ये थे, मेरी मम्मी क्या शादी मतलब
शादी करना। मम्मी को क्या बोल रही थी, हाँ शादी करना है या क्या बोल रही थी, अभी रुक जाओ। फिर उसके बाद जब आप गाड़ी निकला, फिर उसके बाद यहाँ पे आए ना, तो मेरी मम्मी ठीक बोली कि ठीक है तुम अच्छे से काम करो। मतलब एक होता है ना कि अगर बाप मतलब नहीं हेल्प करता तो अगर हम लोग कुछ गलत करेंगे तो बदनामी किसकी, मेरी मम्मी की तो होगी बदनामी अगर हम लोग कुछ गलत करते। अभी मेरा भाई का बाहर 15 दिन फोन है कि मेरे पापा बोले कि इसको ज़्यादा शौक है ना कमाने का, इसीलिए अपने लड़का को भेज दिए। बोलेगा गाँव में कोई ज्यादा कमाने का इनका शौक है, लेकिन लड़की ने क्या किया, हार गई। आज मेरी मम्मी इतनी सुंदर है, बिल्कुल मेहमानी तरीके, लेकिन तब भी क्या सब्जी में छिल जाती भाई लोग। अगर अब आने वाला कंडीशन अगर हम कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो अगर कुछ अच्छा नहीं करेंगे आने वाला समय अगर हम लोग कहाँ रहेंगे। तो स्मार्ट वालों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि हम लोग यहाँ से बहुत ही बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा गाड़ी कितने तारीख को बताइए, कौन सा गाड़ी 8 तारीख को मेरे डिस्टनी हीरो शोरूम से 1,20,000 की गाड़ी निकली है। ठीक है।